असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग एक्सपोजिट्री नॉन फिक्शन ना वट इज़ एक्सपोजिट्री नॉन फिक्शन एज द नेम सुजेस्ट एक्सपोजिट्री मीन्स टू एक्सपोज तो इस नॉन फिक्शन में द एम इज़ टू एक्सपोज द ट्रूथ जिसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड फैक्ट्स इन अ वे दैट इज़ एजुकेशनल एंड पर्पजफुल तो द एम हेयर इज के हमने सच्चाई को लोगों को बताना है जो सच बात है तो हम इसको बहुत ट्रूथफुली करते हैं डिलिबरेटली करते हैं और एक एजुकेशन के लिए करते हैं वी वॉन्ट टू एजुकेट पीपल अबाउट वॉट द ट्रू ट्रूथ इज़ अबाउट वाट द ट्रू फैक्ट्स आर एंड वी डू इट वेरी डिलिबरेटली डिलिबरेटली का क्या मतलब हुआ कि हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं तो हमें कॉन्शियसली हम ये काम कर रहे हैं ऐसे नहीं कि हमने बस फ्लो में कह दिया एक दिमाग में बात आई तो हमने कर दी ये एक्चुअली हम एक पर्पस के लिए कर रहे हैं और एक एजुकेशन के काम के लिए हम ये बात कर रहे हैं सो द टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन दैट वी हैव इज बुक्स टू गेन नॉलेज बहुत सारी आपने देखी होंगी बिगेस्ट सीरीज ऑफ दिस काइंड द इंसाइक्लोपीडिया ये पूरी एक बुक की सीरीज है जो कि इन्फॉर्म करने के लिए लिखी गई है सो यू आर जस्ट एक्सपोजिंग द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड Exposing the truth of people, places, and events. And inside, uh, there are lots of Tell Me Hows, Tell Me Whys, these uh, dummies ki puri series, these are knowledge books that uh, expository non fiction uh, genres. The other ones um, examples are A Black Hole Is Not a Hole by Caroline's Tsunami. Another one is Bone by Bone comparing animal skeletons. Uh, born in the wild yeah i mean if you look at it expository nonfiction. we've been talking about nonfiction for a bit so you can see that it doesn't really have to be boring so even when you are exposing the truth you can do it creatively and that's the key to writing you have to keep your um, reader engaged bugged how insects change the world another sort of book that we have is the data books yani ke koi report koi thesis koi research study if you've done a research on climate change and you want to publish that, that becomes expository non-fiction. How is climate change affecting our world, or how is it affecting Pakistan? So that whole book that you've written becomes a data book because you're giving facts, you're giving information, you've done research, and you're presenting it in a book format, which becomes expository non-fiction. Another type is textbooks, jo students partain. और उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का ख़्याल करना पड़ता है कि जो आप इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उसमें बेतहा सच्चाई हो उसमें कहीं आप डिविएट नहीं कर सकते फैक्ट्स के बारे में एक किसी ने बहुत मज़े की बात की कि वॉट इज़ माई फैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी योर नेसिससारिलली योर फैक्ट एक जगह से अगर मैं देखूंगी तो मुझे नंबर सिक्सटीन नज़र आएगा और अगर मैं ऑपोजिट चली जाऊंगी तो वही नंबर मुझे नाइन्टी वन नज़र आएगा सो माई फैक्ट इज़ नॉट योर फैक्ट however both are facts in themselves so when we are writing expository non-fiction it is also important that if there are two versions of a fact that you present both facts another kind is news articles you have to be very very responsible when you are writing for news because you are informing somebody and the other person or the audience or the reader is believing what you are saying तो आप में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ जी कल बारिश होगी वरना आप ही की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है फिर लोग आपका यकीन नहीं करेंगे अगली दफ़ा जब आप उनसे कहेंगे कि जी बारिश होगी तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स आप एक कैमरा ख़रीदते हैं या फ़ोन ख़रीदते हैं और आप कहते हैं कि जी इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो उसके साथ एक किताबचा आता है जिसमें बताता है कि ये फ़ोन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं हाउ टू पुट इट ऑन हाउ टू प्लग इन द वायर्स हाउ टू चार्ज इट हाउ टू फिक्स इट सो दैट इज ऑल एक्सपिजिट्री नॉन फिक्शन रेसिपीज हाउ टू कुक सर्टन फूड रेसिपीज इज बिकमिंग अ वेरी वेरी बिग मार्केट फॉर बुक्स सो इफ यू एवर वॉन्ट टू बिकम रण यू वॉन्ट टू स्टार्ट राइटिंग रेसिपीज यू हैव अ गुड वे ऑफ अर्निंग एंड इनकम अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं या आपके नानी दादियों की अच्छी रेसिपीज़ हैं तो ज़रूर किताब लिखिए और रेसिपीज़ लिखिए उसमें मगर अगेन मेक श्योर कि जो तरकीब है उसको बिल्कुल वाजे तौर पर लिखें जिस तरह पकनी चाहिए उस तरह लिखें ताकि आप जो सच्चाई है उस डिश की वो एक्सपोज करके लोगों के पास लेकर जा रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है सिटी और कंट्री गाइड्स बहुत से हैं ये भी हर लोग अपने तरीके से लिखते हैं कहाँ खाना चाहिए क्या चीज़ देखनी चाहिए कहाँ रहना चाहिए दिस इज ऑल्सो अगेन एक्सपोजिंग द ट्रूथ दैट इज आउट देर लैंग्वेज बुक्स हाउ टू स्पीक फ्रेंच हाउ टू स्पीक जर्मन दिज आर ऑल लर्निंग नॉलेज इम्पार्टिंग एजुकेटिंग बुक्स एंड दे आर पार्ट ऑफ द एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स यानी कि अगर आप ख़ुद सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं मगर बहुत सारी किताबें भी हैं जो लोगों ने लिखी हुई हैं कि अगर आप ख़ुद सीखना चाहते हैं तो वो आप कैसे आ, एक स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप वो पूरा प्रोसेस बताते हैं ताकि लोग उन चीज़ों से सीख सकें तो हाउ डू यू राइट एन एक्सपोजिटरी नॉन फिक्शन आप पहले जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस सब को समराइज़ कर लें और एक सिंथेसाइज़ कर लें आइडिया में जो कि एक क्लियर है लॉजिकल है और इंटरेस्टिंग है तो अगर मैं रेसिपी की बात करती हूँ तो अगर मुझे बताना है कि दाल कैसे बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये होगा मैं उनको बताऊँ कि दाल कौन सी होनी चाहिए कितनी देर पकनी चाहिए तो ये सारी बातें जो है वो मैं लिख लूँगी पहले समराइज कर लूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट सेइंग ओके लेट्स नाउ स्टार्ट राइटिंग अ रेसिपी बुक सो यू हैव टू बी क्लियर कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव टू गेट टू द पॉइंट वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशेंटली अगर आप, आप लंबा लंबी बात करेंगे लंबी लंबी तमहीदे मान देंगे तो वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं अगर आप ख़ुद सोचें दाल की बात करते हैं हम दोबारा दाल पकाना सिखा रहे हैं और आपने एक कई लंबी कहानी शुरू कर दी तो बंदे को कहानी ज़्यादा याद रहेगी दाल बनाना तो वो बेचारा पता नहीं भूखा ही रह जाएगा सो विध एक्सपोजिट्री नॉन फिक्शन You have to make sure that you are clear and concise and organized in what you are doing and saying and writing, and you get to the point quickly and very, very efficiently. So, have fun writing.